कि छात्रों व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम विक्रय प्रवर्तन विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय एवं जनसंपर्क ये क्या है इसको हमने जाना। पूर्व में हमने विक्रय प्रवर्तन की प्रक्रिया को जाना। विज्ञापन एक वस्तु के विक्रय में किस प्रकार से सहायता करता है उसके बारे में जाना। वहीं व्यक्तिगत विक्रय क्या है इसके बारे में जाना। और अंतिम बिंदु जो है इसमें जनसंपर्क ये क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है जन संपर्क एक उत्पादन जो भी होता है उत्पादन जो भी उत्पादनकर्ता के द्वारा किया जाता है वो ग्राहकोन्मुखी होता है अर्थात ग्राहक के अनुसार उत्पादन किया जाता है। इसमें ग्राहकों के लिए उत्पादन किया जाता है तो यहां पर जो ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करना जनसंपर्क के अंतर्गत आता है। इसका जो आशय है जनसंपर्क क्रियाएं जो है विचार पूर्वक नियोजित एवं निरंतर चलने वाले प्रयास हैं जो संगठन व उसके जन समुदाय के मध्य व्यवसायिक प्रतिष्ठा एवं पारस्परिक समझ को स्थापित करने में उसे बनाए रखने में मदद करता है। तो जनसंपर्क क्रिया जो है एक प्री प्लान क्रिया है योजना है जो कि उस उपक्रम और जन समुदाय आम जन के बीच में उस उपक्रम की जो व्यवसायिक प्रतिष्ठा है वो प्रॉपरली बनी रहे इसके लिए जो क्रियाएं की जाती है वो जनसंपर्क के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से जनसंपर्क का जो संबंध है संगठन संस्था उपक्रम या व्यवसायिक इकाई से होता है। ये अनिवार्य रूप से स्वयं उदित होने वाली एक प्रक्रिया अर्थात जनसंपर्क की जो प्रक्रिया है वो अपने आप ऑटोमेटिक उदित होती है। और जनसंपर्क का जो संदेश है हमारी संप्रेषण प्रणाली से प्रेषणी तक पहुंचता है अर्थात जो साधन है संप्रेषण के प्रेषणी तक पहुंचाने के वो जनसंपर्क का संदेश उस तक पहुंचता है। तो ये जनसंपर्क से आशय है। इसके बाद इसकी जो विशेषताएं या लक्षण है नंबर एक ये क्या है नियोजित प्रयास है। ये पूर्व निर्धारित एवं नियोजित होता है। इसके अंतर्गत व्यवसायिक संगठन व उससे संबंधित जन समुदाय के मध्य संदेश व संप्रेषण का आदान प्रदान ये करता है। दूसरा परस्पर समझ का ये सृजन करता है। इसका उद्देश्य क्या है व्यवसाय और उसके जन समुदाय के बीच परस्पर समझ पैदा करना और मधुर संबंध बनाए रखना है अर्थात व्यवसाय और ग्राहक के बीच में दोनों के बीच में परस्पर समझ पैदा करता है और उनके बीच में आपस में मधुर संबंध बनाए रखता है। फिर ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कंटिन्यू प्रक्रिया चलती है। एक उपक्रम जनता के बीच जो है अपनी प्रतिष्ठा साख एवं छवि को बनाए रखने के लिए निरंतर जनसंपर्क के माध्यम से संपर्क को बनाए रखता है अर्थात जो संस्था है संगठन उपक्रम जो है वो अपनी उत्पादन की छवि को जनता के बीच बनाए रखने के लिए जो है लगातार जनसंपर्क के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क बनाए रखता है। फिर ये एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसका उद्देश्य जो है जनता के बीच उपक्रम एवं उत्पाद के प्रति नकारात्मक व्यवहार को सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तित करना है अर्थात जनसंपर्क के माध्यम से आम जन से इस प्रकार से संपर्क स्थापित किया जाता है कि यदि आम जन जो है उसके उत्पाद को नेगेटिव लेता है उसको स्वीकार नहीं करता है तो जनसंपर्क के माध्यम से वह उसके इस व्यवहार को क्या है बदल देता है। फिर विशिष्ट क्रिया इसमें क्रय उत्पादन विक्रय वित्त विपणन आदि क्रियाओं की श्रृंखला में जनसंपर्क क्रिया को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनसंपर्क जो है जन विचार का मूल्यांकन करता है और ये संगठन की नीति और कार्यविधियों की पहचान करता है। तो ये जनसंपर्क की विशेषता या लक्षण है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी भूमिका या इसका महत्व क्या है उपक्रम में जनसंपर्क की भूमिका। सबसे पहला अधिक विश्वसनीयता है। अब चूंकि विज्ञापन या विक्रय प्रवर्तन के अन्य बहुत सारे माध्यमों से क्या होता है ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है परंतु जनसंपर्क के माध्यम से नहीं क्योंकि इसमें डायरेक्ट आम जन से बातचीत की जाती है उनसे संपर्क स्थापित किया जाता है तो ऐसे में आम जन के बीच में उपक्रम के प्रति विश्वास बढ़ता है। फिर विक्रय संवर्धन विक्रय को बढ़ाने के लिए जो प्रयास हैं सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है परंतु मुख्य केंद्र या ध्यान जो है उपभोक्ता पर दिया जाता है। यहां पर जो है जनसंपर्क का मुख्य जो
ध्यान है वो सबका सब किस पर दिया जाता है, उपभोक्ता पे, क्योंकि उपभोक्ता से ही जो है कंपनी विक्रय में वृद्धि होती है। ये फिर प्रतिष्ठा निर्माण, जनसंपर्क जो है सभी पक्षकारों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है जिससे उपक्रम की प्रतिष्ठा में, उसकी साख में, उसकी छवि में वृद्धि होती है। और मितव्ययी साधन अंतिम बिंदु है, जनसंपर्क जो है जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले अन्य साधनों की तुलना में एक सस्ता साधन होता है। यहाँ पर जो है विज्ञापन में यदि करते हैं तो बहुत अधिक व्यय करना पड़ता, तो यहाँ जो जनसंपर्क का मुख्य साधन जो है आम जन से संपर्क करने का, ये एक सस्ता सरल और सुलभ साधन है। कुछ और बिंदु जो है इसके महत्व के, नंबर 5 है बाधाओं की समाप्ति। इसमें सभी पक्षकारों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। किसी उपक्रम में संबंधित पक्षकार ही प्रायः बाधा का कारण बनते हैं, अतः जनसंपर्क के माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं हो पाती, तो ये बाधाओं की समाप्ति करता है। और अंतिम बिंदु जो इसके महत्व का है वो है समाज का ध्यान आकर्षण। जनसंपर्क के माध्यम से समाज का ध्यान उपक्रम की ओर आकर्षित करना सुविधाजनक हो जाता है, अर्थात जनसंपर्क के माध्यम से जो है आम जन से संपर्क किया जाता तो आम जन का ध्यान जो है वो उपक्रम के प्रति बढ़ जाता है। और उपक्रम द्वारा यदि कोई सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे वृक्षारोपण से रिलेटेड हो गया, सफाई कार्यक्रम हो गया, पर्यावरण में सुधार हेतु अभियान चलाना या पल्स पोलियो अभियान चलाना या साक्षरता से रिलेटेड या गरीब लोगों की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए यदि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को यदि उपक्रम संचालित करते हैं तो वो आम जन से सीधे जुड़ते हैं, और जब आम जन से सीधे जुड़ते हैं तो आम जन का ध्यान जो है उनके फर्म, उनकी संस्था, उनकी कंपनी की ओर जाता है, तो लोगों का ध्यान जो है स्वतः ही उपक्रम की ओर आकर्षित होता है। तो ये जो है जनसंपर्क की भूमिका है या महत्व। अब इसके बाद जो प्रमुख इसके साधन है या इसके प्रमुख उपकरण है कि जनसंपर्क के जो प्रमुख साधन, तो जैसे एक नंबर एक हो गया समाचार, ये क्या एक विश्वसनीय साधन है। समाचार के माध्यम से इसमें उपक्रम के संबंध में ऐसे विषयों का निर्माण किया जाता है जो समाचारों में शामिल होने योग्य होते हैं एवं जिनसे जनता के मध्य उपक्रम की अनुकूल छवि बनती है, अर्थात समाचार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है उपक्रम के बारे में ऐसी जानकारियां प्रदान की जाती हैं जिससे कि जनता के बीच उस संस्था की, उस उपक्रम की छवि जो है वो बेहतर बनती है। फिर दूसरा जो है व्याख्यान, व्याख्यान के अंतर्गत जो है विभिन्न शीर्ष अधिकारी या संचालकों के व्याख्यान भी उपक्रम की छवि को प्रभावित करते हैं। समय समय पर जो संस्था के उपक्रम के जो शीर्ष अधिकारी या संचालक हैं उनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, तो ये व्याख्यान जो है अंशधारियों के लिए, बैंकर्स के लिए, कर्मचारियों एवं ग्राहकों के लिए उपक्रम द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ग्राहकों को, अंशधारियों को, बैंकर्स को, कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें उपक्रम के बारे में जो है, उपक्रम के उत्पादकों के उत्पादों के बारे में व्याख्यान दिए जाते हैं, तो व्याख्यान के द्वारा। फिर लिखित सामग्री, इसके अंतर्गत जो है उपक्रम की वार्षिक रिपोर्ट, समय समय पर कंपनी जो है उपक्रम की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र के माध्यम से, पेपर देती, न्यूज़लेटर, ब्रोशर, उपक्रम के बारे में जानकारी, लेख, आलेख आदि प्रेषित कर उपक्रम की उज्जवल छवि को बनाता है, तो लिखित सामग्री भी ये प्रदान करते हैं। फिर महत्वपूर्ण समारोह आयोजित करते हैं, कार्यक्रम वगैरह आयोजित करते हैं, जैसे कि यदि कोई व्यवसायिक ग्रह का उद्घाटन किया, कोई नई कंपनी लॉन्च हो रही या नई प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च हो रहा, तो इस स्थिति में ग्राहकों को आकर्षित करने के, उस लॉन्च हो रही उत्पाद के बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए और आमंत्रित किया जाता है। तो व्यवसायिक ग्रह उद्घाटन हो गया, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गया, विशेष उत्सव के आदि के आयोजन के माध्यम से छवि बनाना आदि, अर्थात विभिन्न धार्मिक पर्वों के अवसर पर जो है विभिन्न प्रकार के उत्सव या आयोजन करके जो है कंपनी स्वयं अपनी छवि को वहां प्रस्तुत करती है। और फिर अंतिम जो है जनसेवा गतिविधियां, इसमें जो है आम जन के कल्याण के लिए यहां पर छवि निर्मित
की जाती है। जैसे बस स्टॉप हम देखते हैं कि यदि कोई कंपनी या संस्था किसी विश्राम स्थल या बस स्टॉप या उद्यान को गोद में ले लेती है, व्यायामशाला को गोद में ले लेती है, उसका डेवलपमेंट करती है, उसका विकास करती है, तो इन सब चीजों के द्वारा जो है उसका ध्यान जो है आमजन का ध्यान जो है वो आकर्षित किया जाता है। तो ये जो है जनसंपर्क के प्रमुख साधन या उपकरण है, समाचार, व्याख्यान, लिखित सामग्री, महत्वपूर्ण समारोह और जनसेवा गतिविधियां आदि। अभ्यास प्रश्न है, जनसंपर्क से आशय उसकी परिभाषा दीजिए, जनसंपर्क की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए और एक व्यावसायिक उपक्रम के लिए जनसंपर्क की गतिविधियों का क्या महत्व है बताइए, फिर जनसंपर्क के जो प्रमुख उपकरण या साधन है उनको समझाइए।